जिहड़ी तकलीफ दित्ती उहदी सिंपल वजह यह है कि कुछ दिन तो सरदार बलवंत सिंह राजोआणा की रिहाई का वाद विवाद चल रहा है। बदकिस्मत यह है कि पंजाब का जब भी कोई मसला दिल्ली के हाथ आता है पंजाब नू आम तौर पर विशेष तौर पर सिख कौम नू इंसाफ देने लई हमेशा अड़चना लाइया जांदियां ने। सन 2019 गुरु नानक साहब के 550 साल पूर्व ते केंद्र की सरकार ने एक 9 बंदियां दी लिस्ट जारी की कि जिन्हां नू गुरु साहब के पूर्व के समागम मौके खुशी के तौर पर बंदी छोड़ किया जाऊ रिहा किया जाऊ। उन्हां बंदियां विच्चों डॉक्टर भुल्लर दविंदरपाल सिंह भुल्लर भाई बलवंत सिंह राजोआणा के नाम भी शामिल सन। भाई राजोआणा का नाम उन्होंने 8वें नंबर पर सी। अफसोस यह है कि अज तकरीबन 3 साल हो चले उस केंद्र सरकार के फैसले नूं कि वह फैसला लागू नहीं किया गया उहदे अमल दरामद नहीं किया गया। जबकि इत्थे तक गल हो गई सी जदों नोटिफिकेशन जारी होया है। नोटिफिकेशन जारी तो बाद यूनियन टेरेटरी दी होम डिपार्टमेंट ने एक चिट्ठी भी कढ दित्ती सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू कि बलवंत सिंह राजोआणा नू रिहा किया जाए। अफसोस के सरदार रवनीत सिंह बिट्टू इस गल का विरोध करता है। मैं दूसरी गल बिट्टू जी नू यह कहना चाहुंदा, बिट्टू जी तुसी पंजाब दी अमन ते शांति दी चिंता ना करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूर्ण तौर पर सुचेत है ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला लैण तो पहला कि बंदी रिहाया किए जाने हर पक्ष कोख्या सी यह गल हुण तुहाडी नहीं चलनी। पर मैनू इस गल दी अज तसली भी हुई है कि मनीष तिवाड़ी एक कांग्रेस के सीनियर मैंबर पार्लीमेंट ने भी ये वकालत की है कि 26 साल तो उपरे लोगों अंदर जेल च बैठे हो गए कि इन्हां दी रिहाई इन्हां दा कानूनी हक बनता है। उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा भी दसी 430 तहत कि यह ऑर्डर किया जाए। हुण अज आ जाती है गल भाई बलवंत सिंह राजोआणा की। देखो पहली तो गल यह है कि 30 मार्च 2012 फांसी लगनी तय हुई सी सरदार बलवंत सिंह राजोआणा। तुसी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा पत्रकार जानते होंगे कि उदों पंजाब च किन्ना टकराव वाला माहौल पैदा हो गया सी। समुचे पंजाब च रातों राती सारे पंजाब च केसरी निशान झूलन लग पे सीगे। सरदार प्रकाश सिंह बादल लगातार उदों दूसरे बार मुख्यमंत्री बनिया नूं 14 दिन होए सी जद उन्होंने केंद्र के ध्यान से मामला लिया। 26 मार्च 2012 एक पटीशन पाई गई भाई बलवंत सिंह राजोआणा की डैथ सेंटेंस नू लाइफ इंप्रिजनमेंट में तब्दील करने लई। ते उस वेले दे गृहमंत्री पी चिदंबरम ने उस पटीशन जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाई गई सी दे आधार ते उन्हां दी डैथ सेंटेंस की एक्सीक्यूशन स्टे की ते प्रेजिडेंट नू उह सुनवाई लई भेजती। हुण अज सवाल उठदा है कि मरसी पटीशन 10 साल च नहीं सुनी जांदी ते मरसी पटीशन सुनी क्यों नहीं गई? कि यह मैंटल टॉर्चर नहीं? जेड़े बंदे नूं फांसी का हुक्म दिता होया उहदी मरसी पटीशन 10 साल ना डिसाइड होवे? एक नहीं अनेकां जजमेंट्स आ, इन्नी देर मैंटल टॉर्चर किसी नूं नहीं दिता जा सकता। सो अज साडी श्रोमणी अकाली दल वालों ये मंग है कि कोई भी इस समय विच कोई किसी नूं जे कोई रायत दिंदा, रायत कोई नहीं दिंदा। हक हुंदे ने, कानूनी हक हुंदे ने। ये कानूनी हक सीगा भाई बलवंत सिंह राजोआणे दा, प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा, ते केंद्र दे फैसले तो बाद केवल ते केवल हुण गल की बाकी सीगी उहनूं लागू करना। ते लागू करन लई जिहड़ी डिले हो रही है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दी सरकार तो मंग करदा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल तक आप जी नूं इहदे ते फैसला सुनाउण लई गल कही है। कल नूं लाल किले ते आ के संगत विच बोलण तो पहलां ये जिहड़े बंदी सिंघां बारे आप जी ने 2019 विच फैसला कीता इन्हां लोकां नूं तुरंत रिहा किया जाए। जे तुसी रवनीत सिंह बिट्टू वर्गियां नूं सुन के इहनूं बहाना बना के डिले करोंगे एदू वड्डा धोखा पंजाब नाल ते सिख कौम नाल नहीं हो सकदा। देखो जे भाई बलवंत सिंह राजोआणा नूं रिहा करना देश विरोधी है, मैं अपने आप नूं देश विरोधी मनण नूं तैयार हाँ। पर मैं एक गल समझदा
कि सरदार रवनीत सिंह बिट्टू तुसीं लुधियाणे दे पिंडां 'च निकलो, 100 तों वध होए जे मुंडे ने जिहड़े घरों निकले हुए वापस नहीं पहुँचे, स्टेट रिप्रैशन दे विक्टम होए ने, जिन्हां दीआं लाशां वी नहीं मिलियां घरदिआं नूं भुक्कण लई, उहनां दी सारता अज तक तुसीं कदे लई ना, उहनां दी तां जा के बाह को तुसीं फड़ी ना। तुहाडी सेंटर 'च वी सरकार रही, तुसीं दिल्ली 'च राज कीता, तुहानूं चाहीदा नहीं सी कि जब तुहाडा दिल्ली 'च राज सीगा तुसीं स्पैशल ग्रांट दिंदे जिहड़े लोग स्टेट रिप्रैशन दे विक्टम सी उहनां नूं फैमिलीज नूं हैल्प करदे, तुसीं टैरोरिस्ट दे विक्टम नूं पेंशन लाई, बहुत वधिया कीता, लाउणी चाहीदी आ। पर जिहड़े स्टेट रिप्रैशन दे विक्टम आ उहनां दे परिवारां दी कौण सलाह सार लऊगा जी, ओह इंसान नहीं, ओह मनुखी हक्कां दे रखदे नहीं गे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.